जी हाँ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जस्ट बिकॉज कि आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे आप SSC का एग्जाम देते हो, चाहे आप नीट का एग्जाम देते हो, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम देते हो, चाहे आप महाराष्ट्र CET का एग्जाम देते हो, ठीक है, हर जगह पर बोर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अगर कंप्लीट देखते हो तो बोर्ड से रिलेटेड आपकी पूरी लाइफ में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे 100% करेक्ट करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। जस्ट बिकॉज कि इस वीडियो में मैं सिर्फ बोन के नंबर्स नहीं बताने वाला, बोन के नाम ही नहीं बताने वाला ट्रिक की हेल्प से, ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा आपको, लार्जेस्ट बोन बताऊंगा, स्मॉलेस्ट बोन बताऊंगा, कौन सी बोन कहां पे प्रेजेंट है वो भी बताऊंगा, ठीक है, हर एक बोन का नाम तक मैं आपको ट्रिक की सहायता से, ट्रिक की हेल्प से पूरा याद कराने वाला हूं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे दूसरे भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें 206 बोन होती है। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन दिखता कैसे है? यहां पर देखिए आप, ये जो बोन्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में उन्हीं को हम बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। अब इसमें 206 बोन होती है तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखिए, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो ये दिखता कैसा है, कहां पे होता है एक्सियल स्केलेटन, कहां पे होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जरा देखिए ये डायग्राम देखिए आप। तो जो आप सेंट्रल में ना, ठीक है, जो आप सेंट्रल में देख रहे होंगे ये एक्सिस, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सियल बोन। तो आप देख रहे होंगे जितनी भी व्हाइट कलर की बोन आपको दिख रही होंगी ये कैसी हैं, एक्सियल बोन है। व्हाइल जो आप कलरफुल बोन्स देख रहे होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सियल स्केलेटन को डिस्क्लोज करेंगे, उसको हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी कितनी बोन प्रेजेंट होती है। तो देखिएगा, जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसे हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जरा देखिए आप फिर से स्ट्रक्चर देखिए एक्सियल स्केलेटन का। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर हेड है, फिर नीचे क्या है, थोरासिक रीजन में क्या है, रिब्स प्रेजेंट है, ठीक है, बीच में क्या है, स्टर्नम प्रेजेंट है, और पीछे क्या है उसके, एक वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, ठीक है। तो सभी के बारे में हम जानेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, हेड आप देख रहे होंगे, हेड होता है, फिर रिब्स होती हैं, रिब्स का स्ट्रक्चर देखिए आप, स्टर्नम कहां पर होता है देखिए आप, ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है यहां पर देखिए। ह्यूमन बॉडी में ये कहां पर प्रेजेंट होता है फिर से दिखाऊंगा मैं आपको अपनी पूरी बॉडी पर, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे, डीपली स्टडी करेंगे इसके बारे में। चलिए आइए देखते हैं। तो हेड जो रीजन होता है स्टूडेंट्स, उसमें कई सारे पार्ट होते हैं। जो हेड रीजन है हमारा, इसमें कई सारे पार्ट होते हैं। क्या स्कल होता है ना, जो हमारी खोपड़ी, ठीक है, जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को सेफ रखता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो हेड रीजन है इसमें टोटल 29 बोन होती है, इसे हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है, स्कल बोन, ठीक है। स्कल बोन कितनी होती है, 18 नंबर होती है, ये हमारे ब्रेन को सेफ रखती है। फेशियल बोन कितनी है, 14 होती हैं, ये हमारे फेस पर प्रेजेंट होती हैं। ईयर ऑसिकल्स, हमारे ईयर्स में 3 बोन प्रेजेंट होती है, 3 लेफ्ट, 3 राइट और 3 लेफ्ट में, ठीक है, जरा समझिएगा, 3 राइट में और 3 लेफ्ट में, तो 3 कितनी हो गई, 6 बोन हो गई, देखिए यहां पर 6 बोन हो गई, और 1 हॉयर्ड बोन होती है यहां पर, दिख रहा है आपको लैरिंग्स के पास, यहां पर स्ट्रक्चर में देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा और ट्रिक की हेल्प से, ये नाम कैसे आप याद रखोगे इनकी वो भी ट्रिकी हेल्प से आप याद रख लोगे। चलिए देखते हैं, पहले जो स्कल बोन होती है, हम हेड रीजन में देख रहे हैं, जो स्कल होती है, ठीक है, स्कल बोन जो 8 होती है, तो इसके हम ट्रिक देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि स्कल की जो 8 बोन्स होती हैं उनकी ट्रिक क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देख लेते हैं कि जो 18 नंबर होती है हमारी स्कल बोन्स, उसकी ट्रिक क्या है, उसको आप कैसे याद रखेंगे। यहां पर देखिए डायग्राम में ये 8 बोन्स आपको दिख रही हैं, तो इनके नाम भी आप चुटकियों में याद रख सकते हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को क्या करता है, सेफ रखता है, ठीक है ना। तो अगर आप कहीं पर भी कोई चीज रजिस्टर करते हो तो आपके मोबाइल पर क्या आती है, एक OTP आती है, OTP जानते हो, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। तो उसी से मैंने एक ट्रिक बनाई है, क्या ब्रेन को OTP सेफ रखता है, ठीक है, यहाँ पे SAFE नहीं है, सेफ वाला, ठीक है, ये मेरा वाला है, सेफ है, ठीक है। तो जरा समझिएगा, ब्रेन को OTP क्या है, ब्रेन की बोन्स हैं यानी स्कल बोन है, तो यही तो सेफ रखेगा ब्रेन को, ठीक है। तो ब्रेन को OTP सेफ रखता है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे वो बोन कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे जो O है ये इंडिकेट करता है ओसीपिटल,
ऑसिपिटल, टी फॉर टेम्पोरल, ठीक है, पी फॉर पेराइटल, एस फॉर स्फिनॉइड, स्फिनॉइड, ई फॉर इथमॉइड, इथमॉइड, एंड एफ फॉर फ्रंटल। ओके, ये वो बोन हैं जो कि ब्रेन को सेफ रखती हैं, यानी ये स्कल का फॉर्मेशन करेंगी, ये तो स्कल बनाएगी तभी तो ब्रेन हमारा क्या होगा, सेफ रहेगा ना, यानी ये स्कल बोन हैं, ठीक है। तो आप बोले थे सर कि ये तो 18 नंबर होती हैं, आपने तो 6 ही बोला, यहाँ पर दिखाया 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बोन ही दिख रही हैं, सही है। लेकिन ज़रा ध्यान से समझिएगा, जो टेम्पोरल और पेराइटल बोन होती हैं ये पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये पेयर्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि ऑसिपिटल 1 इन नंबर होती है, टेम्पोरल 2 इन नंबर होती है, पेराइटल भी 2 इन नंबर होती है, स्फिनॉइड 1 इन नंबर होती है, इथमॉइड 1 इन नंबर होती है, और फ्रंटल भी 1 इन नंबर होती है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 और 2 एंड 2 4 एंड 1 5 6 7 8, ठीक है, तो टोटल 8 नंबर ऑफ बोन है ये, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम बैक अपने वीडियो पर। ओके बच्चों, तो आपने स्कल बोन की ट्रिक देख लिया, देखिए आप मैंने वो सारी 8 बोन्स को, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, स्फिनॉइड, इथमॉइड और फ्रंटल, इन बोन्स को यहां पे मेंशन कर दिया, ठीक है। आगे हम देखेंगे फेशियल बोन जो 14 है उसकी ट्रिक क्या है, तो चलिए देख लेते हैं ट्रिक ऑफ फेशियल बोन। जरा समझिएगा बच्चों, हमें पता है कि फेशियल जो बोन होती हैं वो 14 इन नंबर होती हैं, ठीक है, तो उनके हम नाम कैसे याद रखेंगे, बहुत सारा नाम है ना, 14 नेम्स हैं उसके, ठीक है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा, तो कैसे याद रखेंगे ना, 14 बोन्स हैं तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो आप एक चीज़ समझिए कि इलेक्शंस हमारे यहाँ होते हैं ना, चुनाव जिसे हम कहते हैं, वो होते हैं, तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, उसमें MPs लोग बनते हैं, ठीक है, MP वगैरह होते हैं, और जो एक कॉमन पर्सन होता है, एक मैन होता है, वो क्या करता है, जाकर वोट देता है और MP का सिलेक्शन करता है ना, कि हमारे एरिया से कौन MP होगा, ठीक है। तो यहीं पर मैंने एक ट्रिक बनाई बड़ी ईजी और कमाल की, ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा क्या, MP, जी हाँ, MP क्या होता है, वो उम्मीदवार होता है, ठीक है, जनता का, ठीक है, लेकिन लोगों को वोट करना चाहिए, लेकिन कौन वोट नहीं करता, जो लेजी पर्सन होते हैं, कहते हैं भैया हम नहीं जाएंगे वोट वोट देने, हम मजे से घर पे बैठे रहेंगे, ठीक है, तो कौन वोट नहीं करता, लेजी पर्सन, ठीक है, आलसी लोग। तो एमपी को, ठीक है, एमपी को लेजी, लेजी मैन है ना, लेजी मैन वोट नहीं करता है, ठीक है, कौन वोट नहीं करता बेटा जी, वोट तो करना चाहिए, लेकिन एमपी को कौन वोट नहीं करेगा, लेजी पर्सन, जो आलसी लोग होते हैं वो वोट नहीं करते, ठीक है, एमपी को लेजी मैन वोट नहीं करता, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे हर एक वर्ड क्या क्या कहता है, चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं, और हम देखेंगे कि 40 फेशियल जो बोन होती है, 14 वो हमने एक्सप्लेन कर लिया। देखिए बेटा जी, M4 होता है मैक्सिला, यहां पर आप स्ट्रक्चर देखिए बोन का, ठीक है, जो अपर जॉ होती है ना, अपर जॉ हमारी ऊपर का जो जबड़ा होता है हमारा, उसको बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है, ये देखिए पी फॉर पैलेटाइन, पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होती है, को फॉर कॉन्ची, अभी मैं सबको सब बताऊंगा आपको, एल ए फॉर लैक्राइमल, ZY फॉर zygomatic, zygomatic, मैन से होता है मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल, वोट, ठीक है, VO, वोट का VO इंडिकेट करता है वोमर, ठीक है, नहीं का यन ए क्या इंडिकेट करता है, नेजल, ठीक है। आप बोलोगे सर ये कितनी बोन हुई, 14 तो बोन नहीं हुई है, हाँ सही है, 14 बोन ये नहीं हुई, कितनी बोन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप तो बोलते थे फेशियल में 14 बोन होती है, ये बोन है, ठीक है, आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो फिर कहाँ गई, ये तो बस नंबर नहीं पूरा दिख रहा है हमें। तो जरा ध्यान से समझिएगा,
कि कोई भी इलेक्शन होता है तो एक जो मैन होता है, एक जो पर्सन होता है, वो कितनी बार वोट कर सकता है? एक बार ही वोट कर सकता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो मैन और वोट हैं, यानी मैंडिबल और वोमर, ये कैसी होती है? सिंगल प्रेजेंट होती है, ठीक है, सिंगल प्रेजेंट होती है। रेस्ट ऑफ ऑल बोन्स आर प्रेजेंट इन पेयर, जरा ध्यान से समझिएगा। यानी जो मैक्सिला है ये कितनी होती है? टू होती है। पैलेटाइन बोन कितनी होती है? दो होती है। कॉन्ची कितनी होती है? दो होती है। लैक्राइमल कितनी होती है? दो होती है। जाइगोमेटिक कितनी होती है? दो होती है, ठीक है। नेजल कितनी होती है? टू होती है। बात समझ में आई? तो कितनी बोन होगी बट्टा जी, बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 6 2 12, यानी 12 बोन हो गई, और 12, 13 और 14, ठीक है। तो टोटल आपको 14 बोन्स मिल गई, ठीक है। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। जरा समझिएगा, जो मैंडिबल है, मैंने आपको बताया जो मैंडिबल होती है ये क्या होता है? ओनली मूवेबल बोन, ठीक है। और ये जो लोअर जॉ होता है हमारा, इसी को कहते हैं हम मैंडिबल, ठीक है। देख लीजिए आप स्ट्रक्चर में, देखिए जो अपर जॉ होता है उसे बोलते हैं मैक्सिला, और जो लोअर जॉ होती है उसे बोलते हैं मैंडिबल। और ये ओनली मूवेबल बोन है हमारे हेड रीजन में, ओनली मूवेबल बोन इन हेड, ठीक है। पूरे हेड में जो हमारा रीजन है, इसमें सिर्फ एक ही ऐसी बोन है जो कि मैंडिबल है, वो मूवमेंट कर सकती है। इसको छोड़कर कोई भी बोन मूवमेंट नहीं कर सकती। चाहे आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए फिर से चलते हैं हम अपने मेन वीडियो पर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया कि ट्रिक क्या है फेशियल बोन की, बड़ी ही कमाल की ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हमने 14 बोन्स को लिख लिया है, मैक्सिला, पैलेटाइन, कॉन्ची, लैक्राइमल एंड जाइगोमैटिक, मैंडिबल और वोमर और नेजल। और मैं आपको बता दूं बेटा जी, ये जो मैंडिबल है, जैसा कि सर ने बताया है ना, जैसा कि मैंने बताया कि जो मैंडिबल होता है वो ओनली मूवेबल बोन होती है। इस पूरे हेड रीजन में सिर्फ एक ही ऐसी ये बोन है जो मैंडिबल है, यही एक मूवमेंट करती है, बाकी सभी की सभी कैसी हैं? फिक्स होती हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं करती कोई बोन, ठीक है। अगर हम बात करें ईयर ऑस्किल्स की, ठीक है, तो आप यहां पर देखिए ईयर ऑस्किल्स को देख पा रहे होंगे आप, 6 इन नंबर होते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? इसमें देखिए ईयर ऑस्किल 3 बोन्स होती हैं बेटा जी, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है। और जो स्टेपीज होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे बॉडी की, याद रखिएगा। नीट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, महाराष्ट्र सिटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर पूछता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो क्या बोलेंगे? स्टेपीज। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या हो कि अगर आपके कान के पर्दे फट जाएं, तो आप लोगों के साउंड को क्या करोगे? मिस करोगे, है ना। तो मिस करोगे, ऐसा होना नहीं चाहिए ना किसी के साथ कि कान के पर्दे फट जाएं, ठीक है, जस्ट ट्रिक है बेटा जी। तो लोगों की वॉइस आप क्या करोगे? मिस करोगे। तो एम फॉर मैलियस, आई फॉर इनकस और यस फॉर स्टेपीज, ठीक है। और स्टेपीज ही क्या है? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपीज। कहां पे प्रेजेंट होती है? ईयर में प्रेजेंट होती है। तो 3 बोन राइट में और 3 बोन लेफ्ट ईयर में, ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 6 बोन। देखिए मैंने यहां पे मेंशन किया है 6 बोन, ठीक है। और 1 हायर्ड जो बोन होती है वो कहां पे होती है स्टूडेंट्स? यहां पर लैरिंग्स के पास, आप देखिए स्ट्रक्चर में, ठीक है, यहां पर होती। तो टोटल नंबर जो हेड बोन में है 29, क्या ये करेक्ट है? देखते हैं, देखिए 8 और 14 कितना हो गया? 22 और 6 28 और 28 और 1 हायर्ड बोन कितना हो गया? 29, ठीक है। तो हेड रीजन में 29 बोन हमने देख ली विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, ठीक है। अब जरा समझिएगा जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं। तो हमने तो हेड रीजन की 29 बोन को स्टडी कर लिया। अभी हम देखते हैं रिब्स। तो रिब्स कहां पे प्रेजेंट होता है? यहां पे देखिए, रिब का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है। और भैया जी एडिटर जरा लगाइए, हाँ यहां पर देखिए ये रिब्स प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो रिब्स होता है ये क्या करता है? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है ना, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लाइक हमारे जो लंग्स है, जो हमारा हार्ट है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
ठीक है। अब जरा समझिएगा, ये जो रिब्स होती हैं इनमें 24 बोन्स प्रेजेंट होती हैं और पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, तो कितने पेयर्स बनाएंगे? 12 पेयर्स बनाएंगे। आप देखिए स्ट्रक्चर देखिए, 12 पेयर्स दिखेंगी, 12 जोड़ियां आपको दिखेंगी बोन्स की, ठीक है। कहां से? 12 लेफ्ट साइड से, 12 राइट साइड से, ठीक है। तो टोटल 12 पेयर्स बनती हैं ये, ठीक है। नंबर कितना हुआ? 24 बोन्स, ठीक है। अब जरा समझिएगा, तो इनमें बेटा जी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो 24 बोन्स हैं, ठीक है, ये आपके बीच में एक बोन से अटैच होती है। यहां पे आप एक बोन देख पा रहे होंगे, देखिए इसे हम बोलते हैं टाइबोन और स्टर्नम, ठीक है। क्या बोलते हैं? टाइबोन और स्टर्नम बोलते हैं। तो यहां पे आप देखिए फिर से, जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से क्या करती हैं? फ्यूज होती हैं, ठीक है, स्टर्नम से आके सामने फ्यूज होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो बोन्स फ्यूज होती हैं स्टर्नम से उन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स। तो 1-7 पेयर जो होती है वो कैसी है? ट्रू रिब्स होती है। वाइल फॉल्स रिब्स वो रिब्स होती हैं जो कि डायरेक्टली स्टर्नम से फ्यूज नहीं होती, डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती है, वो डायरेक्टली 7th पेयर ऑफ रिब्स जो है उसके साथ फ्यूज करती है। यहां पर देखिए, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो 8th, 9th और 10th जो पेयर है रिब्स का, वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ फ्यूज नहीं है, वो किसके साथ फ्यूज करता है? वो करता है 7th पेयर ऑफ रिब्स के साथ, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, ठीक है। जो नेक्स्ट है बेटा जी हमारा क्या है? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्या है? फ्लोटिंग रिब्स वो रिब्स होती हैं वो किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखती, ठीक है, किसी के साथ, ना ही जो हमारी 7th पेयर ऑफ बोन फ्यूज कर रही उसके साथ, ना ही हमारा स्टर्नम के साथ फ्यूजन करती, ये बस फ्लोट करती, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अराइज होती हैं और आके सामने फ्रीली पड़ी रहती हैं। यहां पर आप देखिए, आप थोड़ा सा प्रेस करिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा है ना फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, इनका भी काम प्रोटेक्शन का ही, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखिए इस स्ट्रक्चर में, नीचे आप देख रहे होंगे यहां पे 11th एंड 12th पेयर जो दिख रहा है आपको वो क्या है? फ्लोटिंग रिब्स है, ठीक है। टू बोन्स इस साइड से, टू बोन्स उस साइड से, ठीक है, यानी लेफ्ट एंड राइट टू टू बोन्स, ठीक है। टोटल 4 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। पेयर्स में पूछेगा तो 2 पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सी पेयर बेटा जी? देखिए 11th और 12th जो पेयर्स होता है बोन का वो क्या होता है बताइए? फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये किसी के साथ अटैच नहीं होती, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ लिया रिब्स के बारे में, आगे देखते हैं हम स्टर्नम। स्टर्नम को मैंने आपको बताया किसे हम टाई बोन कहते हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जहाँ पे हम टाई बांधते हैं वहां पर ही ये बोन प्रेजेंट होती है, और दोनों तरफ से जो हमारी रिब्स बोन आती हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, फ्यूज करती हैं। देखिए आप, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ओके, अभी हमें देखना वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसे हम स्पाइन भी कहते हैं। देखिए आप, वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर है, इसमें इनिशियली जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है, उस वक्त हमारी वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 बोन्स प्रेजेंट होती है, बट आफ्टर द फ्यूजन दे मेक 26 बोन, ठीक है। हम मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बोन होती है जो कि फ्यूज करके 26 बोन बनाती है। तो कोई अगर एक एडल्ट पर्सन है तो उसमें टोटल वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स प्रेजेंट होंगी वो होंगी 26 इन नंबर, नॉट 23, जस्ट बिकॉज 23 नंबर ऑफ बोन ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, देखिए मेरी बॉडी पर यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, विजिबल है आपको, हाँ, ठीक है। आप इसको समझिएगा, रटने की एक अलग बात होती है, कोई चीज समझ लोगे तो पूरी लाइफ याद रहेगा। तो अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, हमें समझना पड़ेगा वर्टिब्रल कॉलम को, अच्छे से समझने के लिए हमें ह्यूमन बॉडी को समझना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर एक पर्सन है ना स्टूडेंट, यहां पे एक पर्सन है, इस पर्सन के बॉडी पार्ट्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो पूरा ह्यूमन बॉडी तुम्हें समझ में आ जाएगी। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? हेड, ठीक है, हेड कहते हैं। इस रीजन को हम एक टर्म देते हैं मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में, क्या कहते हैं इसे हम? सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल पार्ट कहते हैं ना, सर्वाइकल पेन हो रहा है ना गर्दन में, ये जो नेक वाला रीजन है हमारा उसे हम कहते हैं सर्वाइकल पार्ट, ठीक है। ओके, यहां पे जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है इसको बोलते हैं थोरैसिक, क्या बोलते हैं? थोरैसिक, ठीक है,
थोरैसिक पार्ट कहते हैं। ये जो हमारा पेट वाला रीजन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एब्डोमिन, एब्डोमिन या फिर लंबर। क्या कहते हैं? एब्डोमिन या लंबर, ठीक है, समझिएगा। एब्डोमिन कहते हैं ना, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, ओके। बस इतना आपको समझना है। इतना अगर आपने समझ लिया तो अब आप समझ जाएंगे कि किस वाले पार्ट में हमारे कितनी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। जरा देख लीजिए फिर से, ये क्या करती है बेटा जी, हमें एक स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, देख रहे हैं आप, ठीक है, पीछे प्रेजेंट है। तो जरा समझिएगा, जो हेड वाले रीजन में तो बोन प्रेजेंट ऑलरेडी है, यहाँ पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम की कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती। तो जो सर्वाइकल पार्ट है यानी जो नेक रीजन है, उसमें देखिए कितनी नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट है, 7 नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट, ठीक है। अगर हम बात करें थोरैसिक, थोरैसिक यानी चेस्ट रीजन की, तो यहां पर देखिए उतनी ही बोन प्रेजेंट होगी सर्वाइकल पार्ट में, सॉरी थोरैसिक पार्ट में, ठीक है, थोरैसिक पार्ट में उतनी ही बोन प्रेजेंट होंगी जितनी की थोरैसिक पार्ट में क्या है, पेयर्स ऑफ रिब्स है, ठीक है। जितनी पेयर्स ऑफ रिब्स है उतनी ही बोन हमारे थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कितनी बेटा जी, देखिए थोरैसिक में कितनी, 12, क्योंकि आप देखिए इन्हीं 12 थोरैसिक वर्टिब्री से ही क्या निकलते हैं, हमारे जो बोन्स होती है 12 पेयर्स, ठीक है, रिब्स की, वही एराइज होती है पीछे से। जो हमारा देखिए यहां आप देखिए जो हमारा रिब्स है, ठीक है, जो रिब्स निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है हमारे एक्चुअल में, वो हमारे निकल रहा है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। जो हमारी रिब्स निकल रही है वो कहां से निकल रही है, वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही है, एराइज हो रही है, ठीक है, और आके आगे फ्रंट पे स्टर्नम के साथ फ्यूज हो जाती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो जो थोरैसिक वाला पार्ट होता है हमारा, उसमें 12 वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लंबर की, ठीक है, जो लंबर यानी एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन में कितनी, 5 प्रेजेंट होती हैं। सैक्रल रीजन में कितना, 1 प्रेजेंट होता है, और कॉक्सिक्स में कितना, 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, जो सैक्रल रीजन होता है इसमें इनिशियली 5 बोन प्रेजेंट होती है, जब हम बच्चे रहते हैं तो 5 बोन प्रेजेंट होती है। कॉक्सिक यानी कि टेल बोन जिसे हम कहते हैं, यहां पर बेटा जी 4 बोन प्रेजेंट रहती है इनिशियली स्टार्ट में, लेकिन ये 5 बोन मिलकर एक बोन बनाती है, यहां पर 4 बोन मिलकर एक बोन बनाती है, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल नंबर, आप ऐड करिए, 7 12 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 26, ठीक है। तो 26 बोन प्रेजेंट होती है कहां पर, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। और जरा ध्यान दीजिएगा, जो वर्टिब्रल कॉलम की जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, और महाराष्ट्र सीटी में भी, और एसएससी के भी एग्जाम में फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्री का नाम पूछा जाता है। तो जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है उसका नाम होता है एटलस, ठीक है, इसे कहते हैं एटलस, ठीक है, वेट अ सेकेंड, एटलस कहते हैं। और जो सेकेंड वर्टिब्री है उसका नाम है एक्सिस, ठीक है, नाम याद रखिएगा। जो वर्टिब्रल कॉलम की जो फर्स्ट बोन होती है सर्वाइकल रीजन की, ठीक है, उसे बोलते हैं एटलस, जो सेकेंड होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सिस। लिख लीजिए इसे, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। आगे मैं चलता हूं, आगे हम देखते हैं, आगे देखिए, हमने पूरी तरह से क्या एक्सप्लेन कर लिया, एक्सियल स्केलेटन को, ठीक है। तो क्या हम यहां पर देखिए फिर से एक बार काउंट कर लीजिए आप, 26 बोन प्लस 1 प्लस 24 प्लस 29, टोटल कितना हो गया बच्चों, 80 बोन, ठीक है, 80 बोन हो गया, हमने एक्सियल स्केलेटन को देख लिया। अभी हमें क्या देखना है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि हमें कितनी बोन्स को देखना है, 126 बोन को देखना है, ठीक है। तो 126 जो बोन है वो कहां कहां पर प्रेजेंट होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में, कहीं भूल तो नहीं गए, अपेंडिकुलर स्केलेटन किसे कहते हैं, यहां पर देखिए फिगर, ये देखिए आप, तो जो कलरफुल आपको बोन्स दिख रही हैं यही हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स, ठीक है। तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, कौन कौन से, लिम्स और गर्डल। लिम्स क्या होते हैं जरा समझिएगा, लिम्स क्या होते हैं, इन्हें हम दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। ये देखिए जो दोनों मेरे हाथ हैं इन्हें हम बोलते हैं अपर लिम्स, ऊपर की तरफ है, ठीक है, और जो दोनों मेरे पैर हैं जो फीट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लोअर लिम्स कहते हैं, ठीक है, ओके। इन दोनों को मिलाकर 120 बोन्स प्रेजेंट होती है हमारे लिम्स में, ठीक है। और गर्डल, गर्डल किसे कहते हैं बेटा जी,
गर्डल हम उसे बोलते हैं जो कि ज्वाइंट करता है। तो यहां पर देखिए दो गर्डल होते हैं, यहां पर एक होता है पेक्टोरल गर्डल और यहां पे हमारे कमर के पास होता है क्या, पैल्विक गर्डल। ठीक है, ये हमारे लिम्स को ज्वाइंट करता है हमारे एक्सिस के साथ जनरली। ठीक है, एक्सिस को तो बोलना गलत होगा, बट ये ज्वाइंट करता है हमारे लिम्स को। ठीक है, जरा समझिएगा। तो लिम्स में कितनी बोन, 120 बोन्स, गर्डल में कितनी बोन, 6 बोन। तो हम वन बाय वन देखेंगे। जो अपर लिम्स होता है, अपर लिम जो होता है इसमें 60 बोन प्रेजेंट होती है, कितनी बोन, 60 बोन। और जो लोअर लिम होता है इसमें भी कितनी बोन, 60 बोन। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें अपने एक हैंड को, ये पूरा हाथ, ठीक है, इसमें कितनी बोन है, 30 बोन प्रेजेंट है। तो 30 लेफ्ट हैंड में प्रेजेंट है, 30 राइट हैंड में प्रेजेंट है। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, अपर लिम्ब हो गया। तो दोनों को मिला दो कितना हो गया, 30 60 बोन। ठीक है, तो 60 बोन कहां पे है बेटा जी, अपर लिम्ब में। ठीक है, तो लोअर लिम्ब जो है उसमें भी 60 है, यानी 1 फीट में तुम्हारे कितनी है, 30 बोन, और 1 अनदर जो फीट है आपका उसमें भी कितनी बोन है, 30 बोन। तो दोनों को मिला दिया कितना हो गया, 60 बोन। तो लोअर लिम्ब में भी कितनी है, 60 बोन है। तो अब कौन कौन सी बोन है, कहां कहां पे प्रेजेंट है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले चलिए देख लेते हैं जो अपर लिम्ब है। ठीक है, अपर लिम्ब में देखिए बच्चों, यहां पर देखिए अपर लिम्ब का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। तो यहां पर अभी देखिए, ये मेरा हैंड है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो बोन होती है ना, एक लॉन्ग बोन, ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं, ह्यूमरस। ठीक है, और देखिए यहां पर जो, यहां पर दो बोन प्रेजेंट होती है, यहां से यहां तक दो बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो थंब के साइड में ऊपर बोन होती है, इधर ऊपर की तरफ, ठीक है, इसे बोलते हैं हम रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और ये जो लिटिल फिंगर है हमारी, इसके साइड में एक और बोन प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं अल्ना। ऊपर को क्या बोलेंगे, रेडियस, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, अल्ना। ठीक है, आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें हमारी रिस्ट की, ठीक है, ये जो कलाई है हमारी, ठीक है, चिटिया कलाइयां, याद है ना सॉन्ग, तो इसमें 8 बोन प्रेजेंट होती है, कितनी बोन, 8 बोन प्रेजेंट होती है। वाइल जो हमारा ये पाम है, जो हथेली है हमारा, इस रीजन में टोटली 5 बोन प्रेजेंट होती है। और ये जो हमारे उंगली के छोटे छोटे है ना सेगमेंट्स हैं, इनको बोलते हैं फेलेंजेस, इनमें 14 बोन प्रेजेंट होती है। चलिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप देख रहे हैं, आप ऐसा होता है। ठीक है, पहले पाम का स्ट्रक्चर दिखाइए, पाम का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यार रिस्ट में कितनी है, 8 बोन प्रेजेंट है। ये जो पाम वाला रीजन है, देखिए यहां पे कितनी बोन है, 5 बोन आपको दिख रही होंगी, और ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं इनमें 14 बोन है। ठीक है, तो चलिए मेंशन मैं करता हूं बेटा, ह्यूमरस कितना, 1, रेडियस 1, अल्ना 1। ठीक है, फिर जो रिस्ट में हमारी बोन होती है उसे हमने क्या बोला था, देखिए आप क्या बोला था, कार्पल। ओके, कितना होता है, 8 बोन प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद पाम रीजन में कितनी बताइए, 5 बोन, उसे क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। ठीक है, मेटाकार्पल्स कितनी है, 5। ठीक है, उसके बाद जो छोटे छोटे सेगमेंट्स जिन्हें हमने फेलेंजेस बोला था, कितने हैं, फेलेंजेस कितने हैं, 14। ठीक है, तो इन सभी को काउंट करिए कितना हो गया, देखिए 1 2 3 3 और 8, 11 11 एंड 5 16 16 एंड 14, कितना हो गया, 30। तो एक लिम्स में आपके एक हैंड में कितनी है, 30 बोन्स, और दूसरे में भी कितनी, 30। तो टोटल कितना हो गया, 60। अपर लिम्ब में कितनी बोन हो गई, 60 बोन हो गई। स्ट्रक्चर फिर से आप देख लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें लोअर लिम्ब की, पैर तो इतना उठा नहीं सकते, ठीक है ना। तो देखिए स्ट्रक्चर, देखिए आप ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, तो जो आपकी थाई बोन होती है उसे हम क्या कहते हैं, फीमर। क्या कहते हैं, फीमर, फीमर। एंड फीमर इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट बोन। ठीक है, ग्लैंड का नाम आ रहा है, भगवान भला करे, है ना, लार्जेस्ट बोन। ह्यूमन बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट बोन है कौन सी है, फीमर है, ये 1 in number होती है। जबकि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेपी, जो कि ईयर में प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये 1 in number होती है, कौन, फीमर। जो सेकेंड बोन होती है बेटा जी, वो होती है हमारी पटेला, जिसे हम नी कैप कहते हैं। यहां पे देखिए स्ट्रक्चर देखिए आप पटेला का, जो घुटना होता है ना, जहां से एक कटोरी होती है ना पैरों में जो घूमती रहती है छोटी सी, यहां पे आप देख लीजिए, अच्छा यहां पर, ठीक है, इसे कहते हैं नी कैप। उसका नाम क्या है, पटेला, 1 होती है,
पटेल, ठीक है पटेल, और उसके बाद टीबिया होती है, टीबिया, फिर उसके बाद होती है फीबुला, फिर उसके बाद क्या आता है टार्सल, फिर क्या आता है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, फिर उसके बाद क्या आता है फेलेंजेस, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जो फीमर होती है वो थाई बोन होती है, ठीक है, आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में थाई बोन होती है, ये फीमर बॉडी की हमारे सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, ठीक है। इसके नीचे आप छोटा सा कैप देख रहे होंगे नीचे के साइड में, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पटेला और नी कैप। उसके नीचे आप सेंट्रल में एक बोन देख रहे होंगे, उसे हम बोलते हैं टीबिया, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है हमारे बॉडी की, ठीक है। उसके बाद उसके राइट साइड में आप देख रहे होंगे क्या है बताइए, एक बोन और एडिशनल बोन है आपको साइड में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं फिबुला बोलते हैं। और नीचे की तरफ आप देखिए यहां पर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं टार्सल कहते हैं, नीचे आप टार्सल देख रहे होंगे फिगर में, ठीक है, ये 7 in number होती है, कितनी होती है टार्सल 7 in number होती है, ये भी कितनी होती है 1 होती है, ये भी कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। मेटाटार्सल कहां पे होती है, जो हमारा सोल होता है ना सोल, उसमें हमारे 5 bone प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं मेटाटार्सल, ठीक है। और हमारे जो डिजिट्स हैं, ठीक है, जो हमारे फेलेंजेस हैं उनमें कितनी बोन होती है 14, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा जी बताइए, 1 2 3 4 4 और 7 11 11 and 5 16 and 16 and 14 कितना हो गया 30, ठीक है। तो आपके एक फीट में कितनी 30 बोन और सेकंड फीट में भी कितनी 30 बोन, टोटल कितने हो गए लोअर लिम में 60 बोन, तो देखिए 60 बोन प्रेजेंट, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे की, ठीक है, अभी हम देखते हैं गर्डल, गर्डल में कितनी बोन होती है 6 बोन होती है। तो मैंने आपको बताया दो गर्डल्स होते हैं, दो ज्वाइंट होते हैं हमारे बॉडी, ठीक है, ज्वाइंट्स तो बहुत सारे होते हैं बट लिम्स को जोड़ने वाले, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डल कहां पे होता है, इस रीजन को हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, ये जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आप स्ट्रक्चर में देखिए, इसको कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। पेल्विक गर्डल कहां पे होता है, हमारे कमर वाले रीजन के पास में होता है, ठीक है, जहां पे हमारी कमर होती है। तो जो पेक्टोरल गर्डल होता है इसमें एक्चुअल में 4 bone प्रेजेंट होती है, कितनी बोन 4 bone प्रेजेंट होती है। जो पेल्विक गर्डल है इसमें 2 bone प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखते हैं पेक्टोरल जो गर्डल है हमारा, ठीक है, कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है इसमें, इसमें प्रेजेंट होती है स्कैपुला, ओके, एंड क्लेविकल, ठीक है, स्कैपुला एंड क्लेविकल। स्कैपुला कितनी होती है 2 in number और क्लेविकल कितनी होती है, ये भी 2 in number होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। स्कैपुला कहां पर होती है, तो आप देख रहे होंगे जहां पे हमें सबासी मिलती है, यहां पर, ठीक है, एडिटर दिखाइए भाई साहब, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 1 scapula इस साइड है, ठीक है, एंड 1 इस साइड है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2 scapula प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और क्लेविकल बोन कहां है, अच्छा कोई आप देखिए यहां पे, ठीक है, ये क्लेविकल बोन है बच्चों, ठीक है, ये क्या करती है, ये क्या करती है, हमारे जो स्टर्नम है यहां पर, जो स्टर्नम है उससे अटैच होती है, इसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम कॉलर बोन, याद रखिएगा, क्लेविकल को हम क्या कहते हैं कॉलर बोन, ठीक है, क्लेविकल को ही हमने क्या बोला है कॉलर बोन बोला है। और ये कितने नंबर में होती है 2 in number होती है, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये क्या है यहां पर प्रेजेंट होती है, देखिए आप, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, जो दुबले पतले लोग होते हैं ना वो शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह निकालते हैं तो उनकी कॉलर बोन बहुत ही अच्छे से दिखती है ना, ओके। अगर हम बात करें आगे कि पेल्विक जो गर्डल है इसमें कितनी बोन होती है, तो 2 bone होती है, उन्हें हम बोलते हैं क्या, उन्हें हम बोलते हैं कॉक्सल बोन, क्या कहते हैं कॉक्सल बोन, ठीक है, या फिर हम इन्हीं को एक और नाम देते हैं हिप बोन, ठीक है, हिप बोन, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो हिप बोन होती है एक्चुअल में 3 bone का फ्यूजन होती है, ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे फ्यूजन ऑफ 3 bone, ऑफ 3 bone, कौन कौन सी बोन का फ्यूजन होती है बच्चों, यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं इलियम, इलियम, इश्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है,
हर एक जगह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा हर एक जगह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो कॉक्सल यानी कि हिप बोन होती है वो थ्री बोन का फ्यूजन होती है, कौन कौन सी, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। तो यहां पर हमने 206 बोन को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन विद इन 2 मिनट आइए हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें 206 बोन होती है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो इसमें 80 बोन्स प्रेजेंट होती है, और एक्सियल स्केलेटन में बहुत सारे पार्ट होते हैं, कौन कौन से, हेड, रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम। हेड में 29 बोन होती है, रिब्स में 24 बोन होती है, अगर हम पेयर की बात करें तो 12 पेयर्स होती है, स्टर्नम 1 बोन होती है और 26 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। तो अगर हम हेड रीजन को पहले एक्सप्लेन करें तो हेड रीजन में क्या क्या होता है, स्कल बोन होती है जो कि 18 नंबर होती है, 14 फेशियल बोन होती है, 6 ईयर ऑसिकल होते हैं, और ईयर ऑसिकल में जो स्मॉलेस्ट, पूरी ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेपीज, याद रखिएगा, और 1 हायर्ड बोन प्रेजेंट होती है लैरिंग्स के पास, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें रिब्स की तो 24 ही नंबर होती है, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, तो इनमें ट्रू रिब्स 1-7 जो पेयर होता है वो तो ट्रू रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स 8-10 पेयर्स जो होता है वो फॉल्स रिब्स होता है, फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन सी होती हैं, 11th और 12th जो पेयर होता है उन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, ठीक है। स्टर्नम टाई बोन प्रेजेंट होती है जहां से ये रिब्स क्या करती हैं, आगे आकर अटैच होती हैं, फ्यूज करती हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो इसे हम स्पाइन भी कहते हैं, इसमें 26 वर्टिब्री यानी कि बोन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 7 सर्वाइकल रीजन में, 12 थोरैसिक रीजन में, 5 लंबर रीजन में, 1 सैक्रल रीजन में एंड 1 कॉक्सिग्लियल यानी कि कॉक्सिक्स यानी कि टेल बोन, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन में तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन प्रेजेंट होती है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिम्स एंड गर्डल। जो लिम्स होता है उसमें 120 बोन प्रेजेंट होती है, वाइल जो गर्डल होता है उसमें 6 बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। लिम्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। जो अपर लिम्स होता है हर एक अपर लिम्स में 30 बोन प्रेजेंट होती है, हर एक लिम्ब में 30 बोन प्रेजेंट होती है। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस, इनके नंबर मैंने सामने लिखे हुए हैं। लोअर लिम्स की बात करें तो फीमर, पटेला, टीबिया, फ्यूबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस, ठीक है, मैंने उनके नंबर भी सामने लिखे हुए हैं। याद रखिएगा फीमर इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हाइल स्टेपीज इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर हम बात करें गर्डल की तो गर्डल में 6 बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पेक्टोरल गर्डिल एंड पेल्विक गर्डिल। जो पेक्टोरल गर्डिल होता है इसमें 2 बोन होती है स्कैपुला और 2 बोन होती है क्लेविकल बोन, जिसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं, वाइल जो पेल्विक गर्डिल होता है इसमें 2 कॉक्सल बोन होती है जिसे हम हिप बोन भी कहते हैं। दीज आर द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स विच इज इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, जरा से भी ये हार्डवर्क मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। प्लीज़ वीडियो को मत लाइक करिए, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे क्या हो दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ट्रिक वगैरह चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.